प्रभावी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। कोई भी किसी प्रकार का अवांछित हरकत न करे। वीआईपी का काफिला वेन्यू तक पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं सुरक्षित लौह कवच में वीआईपी का काफिला वेन्यू पर पहुंच चुका है। वेन्यू पर पहुंचने के उपरांत पीएसओ के इशारे पर मुख्य सुरक्षा प्रभारी मेन कार से उतरते हैं। यह अलाइटिंग प्वाइंट है। सुरक्षा का इतिहास इस बात का गवाह है कि अलाइटिंग प्वाइंट पर कई असासिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। अलाइटिंग प्वाइंट पर हाई राइज बिल्डिंग से सफल स्नाइपर अटैक किया जा सकता है। इस लिहाज से अलाइटिंग प्वाइंट पर सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है। मुख्य सुरक्षा प्रभारी स्वयं परिस्थितियों का जायजा लेकर वीआईपी को अलाइटिंग प्वाइंट पर उतारते हैं। गाड़ियों की रिमार्शलिंग की जाएगी। पूर्णतः चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और ऑलराउंड डिफेंस का बेहतरीन प्रदर्शन आपके समक्ष। आप देख सकते हैं पीएसओ के द्वारा वीआईपी को 360 डिग्री का मानव कवच प्रदान किया गया है। इसी सुरक्षा घेरे में पीएसओ वीआईपी को मुख्य मंच पर लेकर जाते हैं और वीआईपी के द्वारा उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया जा रहा है। तभी अचानक हमला। भीड़ से हमला होने पर सतर्क एवं चौकन्ना पीएसओ खतरे को चैलेंज करता खुद को खतरे तथा वीआईपी के बीच में लाता है। इसे हम इंटरपोज कहते हैं। साथ ही वीआईपी को सुरक्षा कवर देते हुए इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि अंतिम पीएसओ ने भी कारकेट को हैरतअंगेज तरीके से टैक्टिक्स के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया है। और वीआईपी कारकेट बड़ा धमाका सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए आईडी द्वारा कारकेट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी आप कंटिजेंसी रूट पर पीछे की तरफ बढ़ती हुई। अभी आप देख रहे हैं और 180 डिग्री का हैरतअंगेज टर्न तथा डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स के प्रशिक्षित चालकों के द्वारा इस हमले को नाकाम किया गया। सही समय सही निर्णय पूर्ण मंत्र की अनुपालना। और आप देख सकते हैं वीआईपी कारकेट कंटिजेंसी रूप से एक बार फिर से कंटिजेंसी सेफ हाउस की तरफ बढ़ता हुआ। नाकाम हताश हमलावर वीआईपी व्हीकल का दो गाड़ियों से पीछा कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी की गति को धीमा किया गया है। वास्तविकता में यह गति और भी अधिक होती है। कारकेट का पीछा कर रही गाड़ियों को देखकर पीएसओ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तथा मुख्य सुरक्षा प्रभारी द्वारा सूचना रूट पर तैनात सीआईएसएफ क्वाड टीम को दी जा चुकी है। प्रभावी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। उद्देश्य है वीआईपी को सुरक्षित रखना। और अभी आप देख रहे हैं वीआईपी सुरक्षा का मूल मत। और आप देख रहे हैं गाड़ी को ब्लॉक किया जा चुका है और आपके सामने हैरतअंगेज तथा दुश्मन को चकित कर देने वाला जबरदस्त आघात। पहले की कार में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाते क्यूआरटी टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गवाए दुश्मन को काबू में करने का सफल प्रयास किया। वीआईपी सुरक्षा का मूल सिद्धांत है वीआईपी को खतरे से दूर ले जाना।